नाशा करके आए हैं। अच्छा करो नाशा करके ढिड भरे है पनीर दी भुर्जी ना दो परोड़ियां दो ब्रेड भी खा के आए हैं। इथे तानू देखिया खलोते खलोते असीं अगे चले, मैं कहा उस्ताद जी पूरी नहीं खानी, कहिंदे ओ है कि तां भुल गए आपां, असीं फिर बढ़ गए पूरी खा। क्या बात। दोस्तों मैं हूं इस समय बाजार कसेरिया में, जो कि हरमंदर साहब से वॉकिंग डिस्टेंस है, और ये दुकान का नाम है जी नारायण दास जी की दुकान। 50-60 साल पुरानी दुकान है और फेमस है चना पूड़ी के लिए, समोसों के लिए, और सर्दियों में स्पेशली गुड़ के हलवे के लिए। तो आइए बातचीत करते हैं भाई साहब से। ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਸਭ ਅਚਾਰ ਚੂਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨਮਕੀਨ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਕੀਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸੇਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਡੂ ਹੋਏ, ਸਮੋਸੇ ਹੋਏ, ਕਚੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਹੋਏ। चना पूड़ी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये गाजर का अचार दिया जाता है, और एक और चीज काफी फेमस है यहाँ की, ये कद्दू की चटनी बहुत बहुत फेमस है, और पूड़ी के अंदर भी ये पीठी फिलिंग की जाती है, आप देख सकते हो काफी क्रंची और क्रिस्पी है यहाँ की जो पूड़ियाँ हैं। और ये भाई साहब मेरी प्लेट यहाँ पे रेडी है जी, 20 रुपए की ये प्लेट है जिसमें 2 पूड़ियाँ दी जाती हैं, और 2 पूड़ियों के अलावा चने की सब्जी और आलू की सब्जी साथ में दी जाती है। और ये देखिए भाई साहब एकदम से रेडी है, और कितनी फुली हुई है पूड़ी है, जो कीमत है मात्र 20 रुपीज़ है। और चखते हैं जी, चख के आपको बताते हैं कि कैसा इसका स्वाद है जी, देखने में तो लाजवाब लग रहा है जी। ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਲੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਿੱਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। भाई साहब जो पूड़ी है वो बिल्कुल क्रंची है, क्रिस्पी है, और एक सही पूड़ी की यही पहचान होती है जिसमें वो क्रिस्पीनेस होना चाहिए। और जो एक बहुत बढ़िया बात है कि ये अंदर पीठी इन्होंने डाली है, हल्की सी मिर्च, लाल मिर्च डाली गई है, तो अगर आप स्पाइसी खाना है आपको अच्छा लगता है तो ये जो पूड़ी है बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक नारायण जी की दुकान के यहाँ चना पूड़ी मिलती है, और इसके साथ ही 2 बजे के बाद जो शिफ्ट है वो चेंज हो जाती है, जो बड़े भाई साहब हैं वो घर की तरफ चले जाते हैं, उनके छोटे भाई साहब ये जनाब ये 2 बजे यहाँ पे दुकान पे आ जाते हैं, और जैसे ही ये आते हैं वैसे ही जो फूड आइटम्स है वो चेंज हो जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी बताना जी, बताना। हाँ जी, ये है सोत लड्डू गुड़ वाला, सोत लड्डू गुड़ वाला, गुड़ वाले, क्या बात है। ये सेवी, सेवी क्या बात है, बेसन दी है। हाँ जी, क्या है लड्डू, लड्डू मूंगी दाल दा, क्या बात है जी। ये है मुंगरा पकौड़ी, हाँ जी, ये है मटर, स्पेशल मटर, नमकीन। सच में बताऊं तो मेरे लिए ये कहना काफी मुश्किल है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा फूड आइटम्स हैं और कौन सी सही है या कौन सी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्योंकि अब 2 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है, तो जो समोसे हैं उसके लिए ये लौंजी जो है सब्जी है ये दी जाती है, तो ये गर्म करी जा रही है, और ये देख रहे हो आप ये बड़ी सी कढ़ाही में गर्मा गर्म समोसे निकाले जा रहे हैं जी, क्या बात है जी। सो 10 रुपये में 2 समोसे दिए जाते हैं, आप एक समोसा भी ले सकते हो, एक समोसे की कीमत 5 रुपये रहती है, और इसके साथ आलू की लौंजी जो खट्टी मीठी रहती है वो दी जाती है, और साथ में गाजर का गोभी का अचार दिया जाता है अगर आप खाना चाहें तो, और दूसरी बार भी मिल जाता है भाई साहब ने मेरे को बताया। और ये मेरी यहाँ पे समोसे की जो प्लेट है वो रेडी है जी, ये देख रहे हो आप ये 2 समोसे हैं, साथ में आलू, लौंजी की चटनी
और ये गोभी और गाजर का अचार, कीमत है मात्र 10 रुपये। जी हाँ, बिलीव कीजिएगा 10 रुपये हैं। और जायका अभी आपको बताता हूँ कैसा है। दो बजे के बाद नारायण जी की दुकान पे ये मिलता है और समोसे का जो साइज है हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस जो इसका स्वाद है वो ऐसा है कि आप एक या दो समोसे पे नहीं रुक सकते, आप 3, 4 या 5 समोसे भी आराम से खा सकते हैं। ये इतना बढ़िया इसका लाजवाब स्वाद रहता है। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो कीमतें हैं यहाँ पे चीज़ों की, बहुत ही वाजिब है, वैल्यू फॉर मनी मैं बोल सकता हूँ। चनापूड़ी बहुत बढ़िया लगा, गुड़ का हलवा सही लगा, और सबसे अच्छे जो मेरे को यहाँ पे लगा ये जो समोसे हैं, ये बहुत लाजवाब थे। तो यहाँ पे आइएगा।